तो आज हमारी ट्रिप का लास्ट दिन है और आज हम हैं शिमला के अंदर। और मनाली से शिमला आने में हमको कम से कम 12 से 14 घंटे लग गए। ट्रैफिक इतना जाम था। और अगर कोई मेरे से पूछता है कि शिमला में और मनाली जाने के बाद सबसे ज़्यादा तूने क्या देखा, तो मैं उसको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको देखने मिलती है वो है यहाँ का ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। 4 4 5 5 6 6 घंटे तक आप ट्रैफिक में फंसे ही रहोगे। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है और हम मनाली शिमला जा रहे हैं तो मज़ा आने वाला है, तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ट्रैफिक में इतना बुरा फंसोगे कि तुम जाते जाते तुम्हें लगेगा कि यार पूरी ट्रिप ही खराब हो गई हमारी। तो अब हैं हम शिमला के अंदर और शिमला में हम पहुंचे थे सुबह 5 बजे। और जो हमारा पैकेज का होटल था वो तो कैंसिल हो गया और हमने खुद से होटल ढूंढी है। और ये जो होटल है 2500 रुपये इस होटल के रूम का है। हालांकि इसकी जो हालत है वो 1000 रुपये के रूम के बराबर भी नहीं है, पर ठीक है, अब हम इमरजेंसी में कोई मिला नहीं था तो ले ली है और यहाँ पर रुके हैं। और आज जाएंगे शिमला को एक्सप्लोर करने। कुफरी जाएंगे और एक दो टेम्पल्स हैं वहाँ जाएंगे और रिज पे जाएंगे। तो एक बार चलते हैं होटल से और करते हैं शिमला को एक्सप्लोर। और ये है हमारी ट्रिप का लास्ट डे, तो वीडियो को एंड तक देखना। हम हैं ग्रीन वैली पर। आप कुफरी जाते हो तो कुफरी के रास्ते पर आपको मिलेगा ग्रीन वैली। और भैया क्या नज़ारा है, इतनी गहराई और इतनी ग्रीनरी, इसका नाम ग्रीन वैली बहुत सही रखा है। तो यहाँ से जाएंगे कुफरी, थोड़ी देर यहाँ पर करते हैं फोटोशूट और फिर दिखाते हैं आगे लोकेशन। हम शिमला में एक्सप्लोर करेंगे, उन सभी को दिखाएंगे आपको। ये कुफरी के बेस पॉइंट पर अब यहाँ से बैठेंगे घोड़े पर और घोड़े पर बैठ कर जाएंगे कुफरी टॉप पर। और जो घोड़ों की जो प्राइस है वो है 500 रुपये पर हेड। तो अब बैठते हैं घोड़े पर और लेते हैं आनंद घुड़सवारी के। एक्चुअली घोड़े तो नहीं है ये, खच्चर है, लेकिन कर लेते हैं घोड़े की सवारी और देखते हैं क्या रहता है एक्सपीरियंस। ये भी ठीक है भाई, देख सोचा था शादी से पहले कभी घोड़े पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा, मिल गया है, लग गया शादी भी कर ही लेते हैं। अभी हॉर्स राइड हो गई है, बहुत ही मज़ा आ गया है और डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि कोई भी जो जो हॉर्स राइडर है वो ढंग से घोड़े नहीं चलाते, घोड़े अपनी मर्जी से चलते हैं। और साइड साइड में इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, तो अब ऐसा लगता है कि बस अभी गए अभी गए अभी गए। तो करिए हॉर्स राइड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। कुफरी डूंगरी आए हैं भाई, कुफरी डूंगरी। अभी हम हैं कुफरी टूरिस्ट पॉइंट के टॉप पर और ऐसा लगा था कि ऊपर जाकर के बहुत अच्छा होगा। हाँ, व्यू डेफिनेटली अच्छा है, पर ये टेंपल वगैरह बंद है और इतना कुछ नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन हाँ, अगर आप हॉर्स पर बैठ के आओगे और 500 रुपये आप देते हो तो पक्का पैसा वसूल आता एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि वो जो है एक्चुअल एडवेंचर आप उसी को कह सकते हो। क्योंकि घोड़े पर बैठने के बाद घोड़ा बिल्कुल रो तरीके से चलता है, ना कोई उसका उसको चलाने के लिए सही से आदमी होते हैं, घोड़ा अपने हिसाब से चल रहा होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे टॉप का एक्सपीरियंस होता है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और उसके बाद जाएंगे वापस नीचे।
तो अभी हम हैं शिमला के जुहू टेम्पल पे, और ये शिमला का बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो पहले गए थे कुफरी और अब लेट हो गया है, फिर भी आ गए हैं यहाँ पर जुहू टेम्पल। थोड़ी देर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जाएंगे वापस होटल। और ठंड लग रही है भैया ज़ोरदार, और थकान भी हो गई है बहुत सारी, पर अब आए हैं तो घूम कर ही जाएंगे। और वैसे भी आज शिमला में लास्ट डे है। और मान्यताओं की माने तो यह कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ जा रहे थे तो कुछ देर के लिए उन्होंने इस जगह पर विश्राम किया था, और इसीलिए ये मंदिर बनाया गया और इसीलिए इस मंदिर को आज तक पूजा जाता है। भैया शिमला इतना कंजेस्टेड एरिया है ना, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको अलग से लिफ्ट की सुविधा दी गई है, और यहाँ पर कोई एड्रेस भी आपको पूछना हो तो लिफ्ट वाली होटल या लिफ्ट वाली पार्किंग उस तरीके से आप बता सकते हो। तो आज हम लिफ्ट में वेट कर गए, ऊपर जा रहे हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन है आज की माल रोड, वहाँ माल रोड जा रहे हैं। तो हम माल रोड को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको माल रोड के नज़ारे। हम लिफ्ट पे बैठे थे और लिफ्ट से इतना ऊपर आ गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है देख, वो 7 से 8 मंजिला इमारत के बराबर इस लिफ्ट की कैपेसिटी है, और इतना ऊपर हम आ गए हैं। कितना अच्छा सिस्टम है, मतलब कि जस्ट एक लिफ्ट में बैठो और इतनी जो चढ़ाई आपको चढ़नी नहीं है और आप सीधा पहुँच जाओगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे उधर भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हमारे लिए भी थोड़ा सा आसान रहे। अभी है शिमला मॉल रोड पर, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो ये चर्च है और कुछ मोन्यूमेंट है। बहुत ही अच्छी जगह है, और रात की जो वाइब्स है कितनी अच्छी वाइब्स है भैया, मज़े आ गए बिल्कुल ही। शिमला मॉल रोड आने का आनंद आ गया। अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, और उसके बाद जाएंगे होटल।